नमस्कार, मैं प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए रुख करते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। गुरु नानक फिफ्थ सेंटेनरी स्कूल मसूरी ने 53वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया। समारोह के मुख्य अतिथि तकनीकी शिक्षा मंत्री व वन मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। तकनीकी शिक्षा मंत्री व वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि गुरु नानक फिफ्थ सेंटेनरी स्कूल मसूरी लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है। स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा स्कूल शिक्षा के क्षेत्र के साथ सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, जिसका लाभ समाज के लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में गुरु नानक फिफ्थ सेंटेनरी स्कूल मसूरी 5वां स्थान हासिल किया है, जो गर्व का विषय है और उससे साफ है कि स्कूल बच्चों को शिक्षा देने के साथ उनके भविष्य का निर्माण कर देश बच्चों में देशभक्ति का जज्बा भी जगा रहा है। पढ़ाई के साथ बच्चों को देश के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। मसूरी VPDO भर्ती में की गई बड़ी कार्रवाई के साथ अन्य भर्ती प्रकरणों में धामी सरकार की ओर से उठाए जा रहे सख्त कदमों पर तकनीकी शिक्षा एवं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार का स्पष्ट निर्णय है कि कोई भी घोटालेबाज बच नहीं पाएगा, फिर चाहे वह कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। साथ ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार वनों की सुरक्षा के साथ ही वनों के विकास की पक्षधर है। इस दिशा में सरकार जनता की भागीदारी सुनिश्चित कर आगे बढ़ रही है। बताया कि मसूरी की वन संबंधी समस्याओं के समाधान को बैठक आयोजित करने वाले हैं, जिसमें विचार विमर्श किया जाएगा कि वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार कितनी छूट दी जा सकती है। बैठक में मसूरी में प्रस्तावित भिलाड़ स्टेडियम के मसले पर भी मंथन किया जाएगा। मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। गुरु नानक फिफ्थ सेंटेनरी स्कूल हमें जाने का अवसर मिला के एनुअल डे पे, अच्छा लगा कि इस कॉलेज के प्रोफेसरजी और समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह एजुकेशन सेक्टर में जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसमें मेहताब सिंह जी और तस्वीर कौर जी ने इसको शुरुआत की थी गुरु नानक जी के 500वें जन्मदिवस के अवसर पर, और जिस तरह ये की जो परफॉर्मेंस है हिंदुस्तान के टॉप 5 बोर्डिंग स्कूल्स में इसको रैंकिंग दी गई है, और जिस तरह इन्होंने बच्चों को कनेक्ट किया है नेशनल प्रोग्राम्स में, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव हो, ये पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को देश के प्रति एक उनके अंदर भावना हो, इसके लिए ये जो कनेक्ट किया इसके बहुत बड़ा अच्छा लगा और मुझे वेरी हैप्पी कि मैं आज यहाँ आया हूँ। इसमें हम लगातार काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि काफ़ी रिफॉर्म्स करने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है, जिसमें हम लोगों का एक प्रयास है कि हम इसको कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ में रहे, ताकि आम आदमी के लाइवलीहुड से जंगल जुड़ेगा और आम आदमी भी एक अपनी अकाउंटेबिलिटी समझेगा, अपनी जिम्मेदारी समझेगा जंगल को बचाना भी। घोटाले पहले हुए हैं, घोटालों को पकड़ने का काम किया जा रहा है, घोटाले आपके नहीं है। जो जितने यहाँ पर हुआ, तो बहुत गवर्नमेंट का बहुत साफ संदेश है कि कोई कितनी भी बड़े पद पर उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। जो भी गलत अपराधी होगा तो अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, सरकार का बहुत स्पष्ट संदेश है। अब इसका जनता ने भी निर्णय लिया था 2017 में, हम लोग 16 में ले चुके थे। उनकी मंशा बहुत साफ है, इतने बड़े बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार करना, और लगातार जितनी परीक्षाएं हुई जिनमें भी सरकार को सूचना मिली, सरकारी परीक्षाओं को रद्द करने के बाद दोबारा उसको कंडक्ट करवाना प्रदेश सर्विस कमीशन से, ये सरकार की इस मंशा को दिखाता है। कांग्रेस भले कांग्रेस जोड़ो यात्रा चल ले, उसके बाद भारत जोड़ो की बात करें। फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी